सोनभद्र के चौपन थाना इलाके के मारकुंडी घाटी में देर रात अनियंत्रित डीजल टैंकर लगभग 150 फीट नीचे खाई में गिरने से टैंकर में आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जबकि डीजल टैंकर का ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सीएमएस ने बताया कि दोनों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया, जिनका पंचनामा कर दोनों को पोस्टमार्टम किया जाएगा। सर, आप किस विभाग से हैं? फायर ब्रिगेड से। आपको कैसे सूचना मिली कि यहाँ पे गाड़ी जो है पलट गई है या आग लग गई है? कंट्रोल से बताया गया। आप यहाँ कितने बजे आए? अच्छा, हमको ये बताइए, जो टैंकर पलटी है किस चीज का टैंकर था? डीजल, पेट्रोल? देखा नहीं क्या है, ऊपर से क्योंकि वहाँ तक पहुँच सकते नहीं। इसमें चालक और खलासी की क्या कंडीशन? हम लोगों ने कुछ नहीं देखा। क्या है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ दिखाई पता नहीं चल पा रहा है। नहीं, केवल आग को आप लोग ध्याने का काम किया? सर, रात में एक डीजल टैंकर हादसाग्रस्त हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हुई। क्या जानकारी हुई है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? जानकारी है कि डीजल टैंकर था और मारकुंडी घाटी में उतर रहा था, और किसी वजह से वो टैंकर का जो भी हुआ हो, वो 150 फीट खाई में नीचे गिर गया, जिससे दुर्घटना हो गई और उसमें दो लोग जो ड्राइवर और प्रचालक थे बुरी तरह घायल हो गए, मर गए लोग। फिर वहाँ से जो मार्चरी में लाए गए हैं, इनका पोस्टमार्टम हो गया। इनका नाम छिदीलाल है और एक नाम शिवाकांत है, जो इलाहाबाद रहने वाले हैं।